पूरा जनपद बना लूट का अड्डा। घंटाघर चौकी इंचार्ज दुकान खुलवाने के नाम पर 2 से 3 हजार वसूल कर रहे हैं अब, और धनुगाही सुबह से ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि सत्ताधारी पार्टी के महासचिव विधायक सुरेश्वर सिंह कह रहे हैं, और सरेआम कह रहे हैं, और सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम की मौजूदगी में कह रहे हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहराइच जनपद में कितना भ्रष्टाचार है और कितनी महामारी के नाम पर लूट। ब्यूरो रिपोर्ट, बहराइच। सत्तर आदमी के साथ ही आए, कानपुर में इनको उतार दिया। कानपुर से पुलिस वालों ने इनको बैठाल करके चिन्हट लिया। चिन्हट पे आ गए और चिन्हट से इनको घंटाघर का चौकी इंचार्ज, किसी ने शटर खोल दिया, कोई किसी से 2,000 ले रहा है, किसी से 5,000 ले रहा है, किसी से 3,000 ले रहा है। सुबह से वसूली चालू है। लूट का बिल्कुल जरिया बना हुआ है, पूरा जनपद लूटा जा रहा है आप लोगों के नेतृत्व। ये बात आपकी 100% सही है, लूट का बिल्कुल काम हो रहा है, ये बात सही है, ये बात सही है। अभी भारत सरकार ने सारे चीफ सेक्रेटरी को डांटा है कि भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा, मजदूर पैदल जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? गलत जो रहा वहाँ पर उसको भेजवाइए, पहले इनकी व्यवस्था कराइए, इनको किट दिलाइए, इनकी चेकिंग कराइए। चेकिंग हो जाएगी, चेकिंग कराइए, किट दिलाइए। जी सर, आप अपने घर से किट नहीं दे रहे, सरकार 1260 रुपया दे रही है आपको। अब इसमें सर वही जो बस वाला छोड़ भाग गया वो क्यों छोड़ के भाग गया, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो वहां थे वो बात करते अधिकारियों से, बिल्कुल बात करते। 150 बसें यहाँ प्राइवेट खड़ी हुई है यहाँ पे। सर वहाँ पे जो होमगार्ड जो बैठे, ये 70 आदमियों का जत्था, ये बेचारा पड़ा था, इसको तो हम अपने घर लिए जा रहे थे, हम समझे यहाँ कैला है, वहां घर यहाँ से निकले, देखा पूरा झुंड आ रहा है, सबकी वही साथ में आदेश हो गया। तो जींस का सर टैक्स माफ होगा? सुन लीजिए, 7 लोगों में 2.5% टैक्स लेने का है, उसका 2.5% लेते हैं, जिनका माफ कर दिया गया है। आपके मंडी का स्टाफ 6% टैक्स वसूल करता है नीलामी के आधार पे, 4% आड़ती को दे देता है, 2% अपनी जेब में रखता है, पता है आपको? नहीं सर। चलिए आप हमारे साथ चलिए, सुबह चलिए चलिए। हाँ, पूरा भ्रष्टाचार, ये कोरोना नहीं आ गया, अधिकारियों के लिए बिल्कुल पनप रहा है। 6% किस चीज का लिया जा रहा है, कौन सा अधिकार है मंडी? चलूंगा आपके साथ, और कोई गलत नहीं करेगा इस विषम परिस्थिति में। अरे नहीं करेगा, अब कर्मचारी भी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है आपके सामने? बिल्कुल क्या है आपके सामने? हमको सबको गाली देके डायरेक्टर भगाया, ये क्या है आपके सामने? आप बता रहे हैं जो गाली डाल रहा है, कार्रवाई करेंगे यार, कार्रवाई कीजिए। अभी समझ में आता है, हम चूतिए हैं, रात 12 बजे घूम रहे हैं। जिस स्तर से हमारी कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे, और सर्वोच्च अधिकारी भी है वो भी करेंगे। हम मीटिंग करेंगे, आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। अभी भारत सरकार ने सारे चीफ सेक्रेटरी को डांटा है कि भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, मजदूर पैदल जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? गलत जो रहा वहाँ पर उसको भेजवाइए, पहले इनकी व्यवस्था कराइए, इनको किट दिलाइए, इनकी चेकिंग कराइए। चेकिंग हो जाएगी, चेकिंग कराइए, किट दिलाइए। जी सर, आप अपने घर से किट नहीं दे रहे, सरकार 1260 रुपया दे रही है आपको। अब इसमें सर वही जो बस वाला छोड़ भाग गया वो क्यों छोड़ के भाग गया, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो वहां थे वो बात करते अधिकारियों से, बिल्कुल बात। 150 बसें यहाँ प्राइवेट खड़ी हुई है यहाँ पे। सर वहाँ पे जो होमगार्ड जो बैठे, ये 70 आदमियों का जत्था, ये बेचारा पड़ा था, इसको तो हम अपने घर लिए जा रहे थे, हम समझे यहाँ कैला है, वहाँ घर यहाँ से निकले, देखा पूरा झुंड आ रहा है, सबकी वही साथ में। घंटाघर का चौकी इंचार्ज, किसी ने शटर खोल दिया, कोई किसी से 2,000 ले रहा है, किसी से 5,000 ले रहा है, किसी से 3,000 ले रहा है। सुबह से वसूली चालू है। लूट का बिल्कुल जरिया बना हुआ है, पूरा जनपद लूटा जा रहा है आप लोगों के नेतृत्व। विधायक जी, ये बात आपकी 100% सही है, लूट का बिल्कुल काम हो रहा है, ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है।
ये तरीका है, ये इसलिए सबको महिलाएं भी हैं इसमें। ये तो ठीक है, लेकिन जो जिसके लिए जिम्मेदार है बिल्कुल कार्रवाई होगी। अब सब चीज तो सर नहीं देखते हैं, आपको भेजा गया तो आप रिपोर्ट दीजिए जो आपको जानकारी हो रही है। रात में तीन आदमी अरेस्ट हो रहे हैं तो उसको उठा के भगा दिए पुलिस वाले, घंटाघर का चौकी इंचार्ज, किसी ने शटर खोल दिया, कोई किसी से 2,000 ले रहा है, किसी से 5,000 ले रहा है, किसी से 3,000 ले रहा है। सुबह वो सुबह से वसूली चालू कर लूट का बिल्कुल जरिया बना हुआ है, पूरा जनपद लूटा जा रहा है आप लोगों के नेतृत्व। विधायक जी, ये बात आपकी 100% सही है, लूट का बिल्कुल काम हो रहा है, ये बात सही है, ये बात सही है। प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया है, पूरी बात बताएं। हम निकल रहे थे अपने कार्यालय से तो प्रेम नारायण नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। हमने कहा भैया आप कहाँ से आए हो, उसने कहा मुंबई से आए हैं। हमने कहा कैसे आए हो, उसने कहा कि हम DCM से आए हैं। हमने कहा कितने लोग थे, तो कहें 70 लोग थे। हमने कहीं रास्ते में आपको किसी ने रोका नहीं, कहें किसी ने नहीं रोका। हमने कहा आपकी चेकिंग कहीं हुई, उन्होंने कहा हमारी चेकिंग कहीं नहीं हुई। घाघरा घाट पे हमको पुलिस वालों ने रोका था, उसके बाद यशो साहब ने आकर के उसमें और सवारी बैठा दी DCM में, बजाय सोशल डिस्टेंसिंग के उसमें और सवारियां उन्होंने बैठा दी, और हम वहां चले आए। DCM वाले ने ला करके रोडवेज में हमको छोड़ दिया और हम लोग अपने अब घर जा रहे हैं। हमने कहा आपको भोजन मिला, कहीं नहीं मिला। हमने कहा आपकी जाँच हुई, कहा नहीं हुआ। हमने कहा आपको किट मिली, कहीं नहीं मिला। ये सारी बातें हमने जब प्रेम नारायण से बात की तो हमने जिलाधिकारी को बोला। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, हमारा प्रशासन बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। फिर जब वहाँ से निकले तो हम देखा करीब 35-35 लोगों का झुंड आ रहा है। 30-35 लोगों के बीच में जब हमने फिर जिलाधिकारी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा सिटी मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आधे घंटे बाद यहाँ पर पहुँचे। आधे घंटे बाद आने के बाद में ये सब आपके सामने है, किसी के पास किट नहीं है। कुछ लोगों को अब शायद किट मिली है, जो एक दो लोग लेकर के जा रहे हैं। बाकी ये देखिए 40 के 40 लोग बैठे हुए हैं जिनको ना तो किट मिली है, ना भोजन मिला है, ना उनकी जांच हुई है। मैंने जिला प्रशासन को सारी बातें बता दी हैं, ये उनके जांच का विषय है, जांच कर। विधायक जी, सीधे केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जो है सीधे एक निर्देश जारी किया है, सीधे गाइडलाइन जारी है कि जो भी आप प्रवासी मजदूर जो UP में आ रहे हैं उनको सरकारी बसों से ट्रेनों से उनके घर तक गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा। इलाके के जहाँ उनका क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर उनको रख के उसके बाद उनको जो है राशन सामग्री और उनके गांव तक घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके बावजूद भी जो है ये लगातार जो है कई दिनों से लगातार जो है मजदूर पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि क्या मतलब सरकार की जो गाइडलाइन है या उसकी गाइडलाइन को मानने के लिए यहाँ के अधिकारी तैयार नहीं? यही तो हमारी शिकायत है कि भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आज प्रधानमंत्री जी के साथ में नाराजगी व्यक्त की उन्होंने कि प्रदेश सरकारें उनका पालन नहीं करा पा रही हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बार बार ये आदेश दे रहे हैं और उन्होंने सख्ती से कहा है कि एक भी प्रवासी मजदूर या कामगार पैदल नहीं जाएगा, उसको भोजन मिलेगा, उसको किट मिलेगी, उसकी जांच होगी और उनको घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। अभी तक हम 3 लाख मजदूर लाए हैं, अभी शेष 10 लाख मजदूर लाने हैं हमको, और सारी की सारी व्यवस्था हमारी प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन उनका पालन करना, उनका क्रियान्वयन कराना ये जिला प्रशासन का काम है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि जिला प्रशासन जो है धरातल पे काम करने से ज़्यादा जो है सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने में लगा हुआ है? ये हमने शिकायतें कर दी, अब इसका पालन क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं। सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण है कोरोना जैसी महामारी का लड़ना, जब ये इससे हम लोगों को निजात मिलेगी तो प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं किया है इस बारे में हम लोग बाद में विचार करेंगे। विधायक जी, पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है कि जिले में जगह जगह चेकिंग हो रही है, उसके बाद भी ये लोग एक पिकअप में 70-70 लोग बैठ के आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? यही तो हमारा कहना है कि पुलिस अधीक्षक के जो बयान हैं ठीक उसके विपरीत आचरण हो रहा है।